ये नलका जो है इसका आधा हिस्सा जो बह गया। तो दोस्तों कैसे हो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे ताऊ जी, ये हमारे ताऊ जी जो है क्या बोलते हैं, गोबर उठा रहे हैं। ये हमारे चाचा जी की भैंस है। तो हम अभी जा रहे हैं लकड़ी लाने के लिए। लकड़ी जो है गदेरे में जो है बह के आई थी, तो बहुत बड़ी लकड़ी है और हम कुल्हाड़ी भी लेके जा रहे हैं साथ में। तो अभी चलते चलते आपको बताते हैं थोड़ा सीन पानी क्या होता है वहाँ क्या नहीं। और वहाँ एक सबसे बड़ा झरना भी है, वो भी दिखाएंगे आपको। चलते रहो, बढ़ते रहो। ये पेड़ कौन सा पापा? बांज का पेड़ है ये। ये बांज का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। पेड़ तो यहाँ बहुत है। और ये घास है भैंसों के लिए। ये फूल कौन सा भाई? ये छाछेरी है। और आगे हम दूसरे गांव में, ये खिल्ला गांव है, खिल्ला नाम से जाना जाता है। फरसुली का पेड़। फरसुली का, फरसुली। और ये कंडाई है, इसका जो है साग भी बनता है और झपाक भी लगता है। गंजा क्यों कर रखा है इसको? वो झरना दिख रहे हो आपको, वहाँ जाना हमने। ये झरने के वहाँ जाना हमने लकड़ी लेने के लिए। होए होए, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा हमें ऊपर को। और वो है जंगल जहाँ सब लोग ये पीरू लेने जाते हैं, ऐसी चीज़ें ये आते हैं भैंसों और गायों को धुआं लगाने के काम, और इस साथ उनके जो नीचे बिछाने के काम आते हैं ये पीरू। ये देखो क्या झरना है यार, वो देखो औरतें जा रही है, देख भी रही है मुझे कि कर क्या रहा है बंदा। ये आ रहे हमारे। और भैया कैसे हो, किधर जा रहे हो? पानी फिटिंग। इस वीडियो को जरूर देखना मेरे YouTube में। देखा आपने मेरा YouTube चैनल? इतना स्पेस है जाने के लिए और नीचे खाई सीधा, तो हमें बहुत ध्यान से जाना पड़ रहा है। बारिश के कारण जो है रास्ता भी टूट गया यहाँ से, और साथ साथ हमारा नल भी। इधर को ऊपर जाना है क्या? अच्छा, यहाँ से रास्ता टूट रखा है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इधर से जाना है क्या? तो एक रास्ता इधर को भी जाता था और एक रास्ता ऊपर को। हम ऊपर के रास्ते आए। अभी और बारिश होगी तो पता नहीं क्या सीन होगा। ये हमारा लकड़हारा व्यू देख रहे हो ना, ऑसम व्यू है यार। ऊपर क्लाउड, नीचे धूप, उससे नीचे छाया। तो मेरे पीछे ये सीन है, ये दूसरा रास्ता। इसके नीचे मिट्टी थी, वो गदेरे से पूरी बह गया है ना। और क्या? बहुत तगड़ा गदेरा आ रखा था। अच्छा, नलका भी बहा दे। तो दो तीन दिन से पानी नहीं आ रहा था। आज गांव के लोग जो हैं एकजुट होके यहाँ गए, उन्होंने कनेक्शन देखो अभी जुगाड़मेंट करके कनेक्शन लगा रखा है। तो अभी तक घरों में पानी आ रहा है अभी। बाप रे बाप, ये तो बड़ा खतरनाक आ रखा है यार गदेरा। ऐसा लग रहा नीचे सड़क होगी पर सड़क नहीं है, ये पूरा गदेरे के कारण पूरा समतल हो रखा है। झरना दिखता है यहाँ से? नमस्कार। अरे भाई, और भैया कैसे हो? क्या झरना है ना, क्या सीन है। ऐसे ही रहना। तो अभी आप जो झरना आपको मैंने दिखाया
वो अभी तो नॉर्मल ही आ रहा है। जब यहाँ पर बरसात होती है तो बहुत तगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से आता है, और यहाँ तक जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक इसकी हवा आती है, मतलब जब ये पानी नीचे पड़ता है ज़मीन में झरने का, तो यहाँ तक उसकी हवा आती है। तो आपको दिखाऊंगा। तो भाई जो है रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, थोड़ा हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। हम जो है झरने के ऊपर खड़े हैं, वाटरफॉल के ऊपर, तो वहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ से जो नीचे जो पानी नीचे गिरता है गदेरे का, तो यहाँ से आया था गदेरा। तो ये पत्थर उठा के अपने घर लेके जा रहे हैं। अभी हमने कितनी दूर जाना ऊपर? 12 मलबे का असर इन पेड़ों में देख सकते हो आप, मिट्टी से पूरे जो है लथपथ हो रखे हैं। मैं अभी तो जैसे आया तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है फिसल गया और मेरे चप्पल ऐसे हो गए। अब इसका क्या करेंगे? रोड भी है, सड़क भी है ऊपर, और जो है पेड़ जो टूट टाट के जो है गदेरे में बह के जो है आए हुए हैं इस तरह से। तो ये पेड़ जो हम लेके जाएंगे अपने घर को, घर पे जलाएंगे, इससे हम जो खाना बनाएंगे। जो मिट्टी लग रही है इसको धोएंगे, इसी को ऐसे ही उठा के ले जाएंगे हम घर लेके जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा भारी हो रखा है पानी के कारण, और तो अब मैं वीडियो अपनी जो है बंद कर रहा हूँ। तो टेक केयर गाइस, ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे इसको जो है लेके जाना पड़ेगा, पापा के साथ हेल्प करनी पड़ेगी, आगे नहीं बना सकता। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, और शेयर भी कीजिए साथ साथ। तो चलते हैं, बाय।